सो दोस्तों, मैं पिछले एक महीने से अपने गांव में हूँ और मेरे गांव में गवर्नमेंट स्कूल है। इस गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी अच्छा माहौल है, शाम के टाइम पे काफ़ी लड़के खेलने के लिए आते हैं, तो मैं भी सोचा कि चलो आज साथ साथ में थोड़ी बहुत रनिंग कर लेंगे और देख के आता है कि क्या क्या करते हैं यहाँ पे लड़के लोग। सो दोस्तों, रनिंग करना, देखिए मैं रनिंग कर रहा हूँ अभी, तो रनिंग करना एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपका ओवरऑल फैट जाता है। चलो फैट की बात की जाए, कई लोग कहते हैं हमारा बॉडी फैट नहीं आता है, या कई लोग जो मोटे हो गए जिनकी तोंद निकलती है, जिनका पेट निकलता है, वो कहते हैं कि हमें अपना पेट कम करना है लेकिन बाकी शरीर हमारा कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रनिंग सबसे एक अच्छा मतलब तरीका है कि आप अपना ओवरऑल फैट कम कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि जो फैट लॉस होता है वो किस तरह से होता है। देखिए, हमारी बॉडी में जो फैट है वो पूरे लाइफ का, जब से हम पैदा हुए तब से हम खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक जितनी भी आपकी उम्र है तब तक आपका जो आपने खाया हुआ है वो स्टोर हो रखा है बॉडी में। सो फैट लॉस जर्नी इतनी आसान नहीं होती कि एक आध महीने में आपका फैट लॉस हो जाएगा। कम से कम फैट लॉस के लिए 6 महीने लगते हैं, 6 महीने का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, इससे पहले आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप वर्कआउट आपका हार्ड है, थोड़ा टफ वर्कआउट करते हैं, तो 3 या 4 महीने में भी आप फैट लॉस कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो फैट लॉस की जर्नी है वो 6 महीने की होती है। सो रनिंग कीजिए, रनिंग सबसे बेस्ट है, और ओपन वर्कआउट कीजिए, पुशअप कीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं भी आज निकला हूँ कि चलो आज थोड़ा रनिंग वगैरह करें और थोड़ा देखें कि मेरे गांव में क्या माहौल है, क्योंकि मैं भी अपने गांव बहुत कम रहता हूँ। मैं जब से स्कूल में था तब से बाहर रहता हूँ, तो कभी मतलब साल में एक आध महीना कभी घर पर मतलब काट लेता हूँ, अदरवाइज इतना टाइम नहीं होता कि अपने गाँव में रह जाए। और अपना अपना लाइफ स्टाइल है सभी का, अपने अपनी, जैसे आप बाद में जॉब करने लग पड़ते हैं फिर घर पे आने का टाइम नहीं मिलता है, तो जो घर का नेचुरल एक वातावरण है, एक कैंप में यहाँ का जो एटमोसफियर है सबसे अच्छा है। मतलब गांव वाकई में मतलब बहुत साफ़ सुथरे और शुद्ध हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आपको वैसे ही एक एनर्जी फील करवाएगा। अगर आप जैसे रूम में रहते हैं, शहरों में देखा होगा कि लोग रूम में रहते हैं तो उनको एनर्जी लेवल काफ़ी कम होता है, लेकिन गांव में एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ यहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। दोस्तों, फैट लॉस के लिए सबसे बढ़िया आप अपने डाइटिंग कीजिए, क्योंकि डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका फैट लॉस आपकी करवाएगी। एक्सरसाइज अ सेकेंडरी थिंग, बट जो आपकी डाइट होती है वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डाइटिंग कीजिए, हफ्ते में 2 या 3 दिन डाइटिंग कीजिए, बाकी भी नॉर्मल भी खाएंगे आप, तब भी एक आप नेचुरल वे में काफ़ी जल्दी अपना वेट लॉस और फैट लॉस कर सकते हैं। अगर आप डाइटिंग डेली कर सकते हैं तो आप अपना एक डाइटिंग का शेड्यूल बनाइए, उसके हिसाब से आप डाइट लीजिए और आपका जो फैट लॉस है वो आई होप जिस जो लोग भी करना चाहें 4 से 5 महीने या 6 महीने में कर पाएंगे। तो ये ऐसे ही नॉर्मल सा एक वीडियो बनाया था। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।